बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था कि वन प्लस बुलेट वाले वेट को बाई किया जाए या फिर ओपो एन को M32 को बाई किया जाए। बात करेंगे ओपो एन को M32 के बारे में, उसका प्राइसिंग आपको 1,500 रुपीज़ मिलेगा। एंड जो वन प्लस बुलेट वाले जेड है उसका प्राइसिंग आपको 2,000 रुपीज़ देखने के लिए मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में, दोनों के अंदर आपको 500 रुपीज़ की गैपिंग देखने के लिए मिल जाता है। तो बात करते हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। सो है गाइस, इट्स राजदीप, यू आर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों का डिज़ाइन के बारे में बात करूंगा। दोनों का डिज़ाइन मेरे को काफ़ी सही लग रहा है, दोनों आपको प्रीमियम बेल क्वालिटी के साथ देखने को मिल जाएगा। दोनों का जो केबिल है वो भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का केबिल आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वन प्लस बुलेट वायरलेस सेट के बारे में। मैं बेस एडिशन को यहाँ पर नहीं लूँगा, मैं बेस जो नॉन बेस एडिशन है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 की सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, रेंज 10 मीटर के देखने को मिल जाएगा। टोटल आपको 20 आवर्स की प्लेबैक टाइम देखने के लिए मिल जाता है। तो बैटरी बैकअप मेरे को काफ़ी सही लगा, बहुत लंबा टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। लो लैटेंसी मोड देखने के लिए मिल जाता है, 110 मिलीसेकंड की आपको लो लैटेंसी मोड देखने के लिए मिल जाएगा। मीन्स इसके अंदर आप गेमिंग भी कर सकते हो। 9.2 mm डायनेमिक ड्राइवर देखने के लिए मिल जाएगा, काफ़ी तगड़ा साउंड क्वालिटी मिलेगा आपको। IP55 की वाटर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल जाता है, नॉर्मल फ्लूइड वगैरह हो रहा है या फिर, बट इसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड रैप चार्जिंग की सपोर्ट मिलता है, 10 मिनट चार्जिंग कर लो 10 आवर्स प्ले बैक टाइम। इसका बैटरी बैकअप जो है काफ़ी सही है, बहुत फास्ट फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी देखने को मिलता है। ज़्यादातर अगर आप लगातार यूज़ करोगे इसको तो भी आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वन प्लस बड जेड काफ़ी तगड़ा है, इसका जो बेस एडिशन है वो भी काफ़ी तगड़ा है। उसका अंदर क्या एक्स्ट्रा अच्छा चीज़ मिलता है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसका आपको 100 मिलीसेकंड की लो लैटेंसी मोड देखने को मिल जाता है एंड बैटरी बैकअप कम हो जाता है उसके अंदर। उसके अंदर 70 वॉट्स की बैटरी बैकअप मिलता है एंड बड सेट जो है उसके अंदर 20 वॉट्स का मिलता है। तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए बड सेट ही होगा। तो बात करेंगे ओप्पो एनको M32 के बारे में, बट उसके पहले अगर आप चैनल पहले विजिट किए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टाइप का कॉन्टेंट मैं रेगुलर आप सभी के लिए अपलोड करते रहता हूँ। एंड इसी वजह से आपका कुछ भी हेल्प होता है एक लाइक कर देना। सो ओप्पो एनको M32 के बारे में बात करूँ, इसका आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 के सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, रेंज 10 मीटर के देखने के लिए मिल जाएगा, 10 मिनट चार्जिंग करो 20 वॉट्स प्लेबैक टाइम एस चार्जिंग की सपोर्ट मिलता है। तो वजह से काफ़ी सही लगा। 10 mm की ब्रेस बूस्ट ड्राइवर देखने के लिए मिल जाएगा, इसका साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा। 28 आवर्स की प्लेबैक टाइम भी मिलता है, बैटरी बैकअप भी काफ़ी सेम है बोलूँगा। तो यही था दोनों का स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताया। ओप्पो एनको M32 के बारे में बात करूँ, नया नया लॉन्च हुआ है मतलब होने वाला है, काफ़ी तगड़ा है। लॉन्चिंग प्राइसिंग उसका 1,500 रुपीज़ देखने के लिए मिल जाएगा एंड लॉन्च हो जाने के बाद उसका प्राइसिंग नॉर्मली 1,800 रुपीज़ रहता है। तो अगर 1,800 रुपीज़ को मैं पकड़ के चलूँ तो दोनों के अंदर बडजेट एंड वन प्लस ओप्पो एनको M32 एंड वन प्लस बुलेट वाले जेड के अंदर आपको 200 रुपीज़ की गैपिंग देखने के लिए मिल जाएगा। उसी हिसाब से आपके लिए ओप्पो एनको M32 ही बेस्ट होगा, क्योंकि जब दूसरे रुपये आपको कम पे करना हो रहा है ओप्पो एनको M32 के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। उसके बाद साउंड तो आपको अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब 8 आवर्स तक एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप भी देखने के लिए मिल जाता है। IP55 दोनों के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बट एक कमी हो जाता है, लो लैटेंसी मोड आपको लैटेंसी नहीं मिलेगा। एंड अगर आप वन प्लस बड जेड को बाद बुलेट वाले जेड को बाई करोगे आपका पैसा पैसा भी जाएगा, हर एक काम के आपका हो जाएगा। आपको गेमिंग करना है गेमिंग कर सकते हो, म्यूजिक सुनना है म्यूजिक सुन सकते हो, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट नेकबैंड चाहते हो जिसके अंदर हर एक फीचर हो, आपका मन मुताबिक आप काम कर सकते हो, तो आप यू शुड गो विद वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड। बट आपको गेमिंग के लिए नहीं चाहिए नेकबैंड तो आप आराम से ओपन कर M32 के साथ जा सकते हो। आई होप इन दिस वीडियो, टेक केयर एंड स्टे सेफ।